दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपने जरूर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बारे में सुना होगा और शायद ये भरोसा भी करते होंगे कि वो आपकी इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड को 5 से 8 से 10 गुना तक बढ़ा देता है। दोस्तों, आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियालिटी की कि आखिर IDM क्या है, कैसे काम करता है और क्या ये वाकई में आपकी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमें मिले फास्ट डाउनलोड स्पीड्स और ऐसे में हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे हम हमारी स्पीड्स को बढ़ा लें और इसके लिए IDM दोस्तों हमें लगता है शायद एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन है, जहां पे बहुत बार दोस्तों अलग अलग आपने फ्रेंड से सुना होगा, बहुत सी वेबसाइट्स पे ऐसा क्लेम करती हैं कि वो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड को 5 से 8 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना दोस्तों बढ़ा देता है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये सभी बातें सही नहीं है। आपके दोस्तों इंटरनेट की स्पीड है वो मैक्सिमम आपको वही मिलेगी जिसका आपने प्लान लिया है अपने ISP से। लेकिन हाँ, जो IDM है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स मिलते हैं, कुछ और यहाँ पे बेनिफिट्स हैं और कुछ और टेक्निक्स हैं ऐसी जिसके दम पे ये काम करता है और जिसके जरिए दोस्तों आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों डाउनलोड मैनेजर के बारे में कि आखिर ये क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं नॉर्मल डाउनलोडिंग ऑप्शन से। दोस्तों, अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, फिर चाहे वो क्रोम हो, मोज़िला हो, ओपेरा हो, सफारी हो या दोस्तों टॉर हो, यहां पे आप सभी जानते हैं कि वो आता है काम ब्राउजिंग के। डाउनलोडिंग दोस्तों जो करने का ऑप्शन है वो एक एड ऑन है कि आप दोस्तों के सर्वर से किसी फाइल को जो है वो फेच कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो मेन काम है वो है सिर्फ और सिर्फ ब्राउजिंग का। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों किसी भी डाउनलोड मैनेजर की, फॉर एग्जाम्पल IDM जो कि सबसे पॉपुलर है, तो यहां पर दोस्तों ये बनाया गया है डाउनलोडिंग के लिए और ऐसे में ये अलग अलग टेक्निक्स को यूज करता है जहां से आपको देता है बहुत सारे एडवांटेजेस, जैसे कि आप डाउनलोड जो दोस्तों उनको पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं वापस। आप यहां पे डाउनलोड्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें किसी फाइल को रात को डाउनलोड करना या सुबह डाउनलोड करना, तो वो आप दोस्तों यहां पे टाइमर लगा सकते हैं। ये आपके डाउनलोड्स को कैटेगराइज कर देता है, आप एक साथ बहुत सारे अलग अलग फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं बैचेस में। उसके अलावा दोस्तों यहां पे जो इसका मेन फीचर जो आप देखते हैं, जहां पे फाइल्स के टुकड़े हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये फाइल को टुकड़ों में डाउनलोड करता है और मतलब कुछ तो जादू कर रहा है यहां पे और इसने बहुत सारा कुछ यहां पे मैजिक लगा दिया है, हमारे नेट की स्पीड को बढ़ा दिया है। दोस्तों, नॉर्मली यहां पे ऐसा नहीं होता। होता देखिए क्या है कि कोई अगर सर्वर है, वहां से आप किसी फाइल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट केसेस में दोस्तों वो जो सर्वर है वो मल्टीपल कनेक्शंस को अलाउ करता है। तो IDM यहां पे उसी का फायदा उठाता है कि वो दोस्तों क्या करता है, अलग अलग कनेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट करता है और दोस्तों वो ऐसे में जो स्टार्टिंग बाइट है उसको चेंज करता है, जिससे आपके मान लीजिए अगर कोई फाइल है 20 MB की, 50 MB की या 100 MB वगैरह की, तो वो दोस्तों उसको छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स को पैरेलल में डाउनलोड करता है। लेकिन आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो तो वही मिलेगी जो आपको आपकी ISP देती है, तो ऐसे में दोस्तों वो तो कैप बन ही जाता है। लेकिन नॉर्मली मैं ये कहूंगा कि वो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड को एफिशिएंट बना देता है। यहां पे ऐसा नहीं होता कि आप कुछ बैंडविड्थ को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपकी ISP है उसने अगर पर कनेक्शन जो है वो एक लिमिट लगा रखी है कि आप एक कनेक्शन में इससे ऊपर नहीं जा सकते, हालांकि वो आपकी टोटल बैंडविड्थ से थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन फिर दोस्तों बहुत बार ISP ऐसा भी करती हैं। तो यहां पे अगर आप यूज करेंगे IDM को तो आप जो है वो बच जाएंगे उससे, क्योंकि आपने दोस्तों अलग अलग कनेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट करके रखा है। इसके अलावा फिर आप किसी वेब पेज से डायरेक्टली कोई भी वहां पे अगर एम्बेडेड म्यूजिक है या ऑडियो वीडियो है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चनेबल है कि ये पायरेसी को या कॉपीराइट को दोस्तों कितना ज्यादा सपोर्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम यूज करते हैं IDM और एक बहुत ही कॉमन सर्चेबल चीज है यूट्यूब में, इंटरनेट पे, कि IDM को क्रैक कैसे करें। आप सभी जानते हैं कि यहां पे दोस्तों आपको मिलता है कुछ फिक्स टाइम का ट्रायल पीरियड, उसके बाद में आपको देने होते हैं पैसे और बाईपास करने के लिए सभी सर्च करते हैं, क्योंकि IDM जो है वो चीज इतनी अच्छी लगती है कि हमने डाउनलोड्स को फास्ट कर लिया, दिखता है वहां पे रियल टाइम में मतलब कुछ तो एकदम जादू हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है वो बैच वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट है कि आपको दोस्तों यहां पर जो स्पीड मिलेगी वो वही मिलेगी जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आती है। IDM अपने से कुछ मैजिक करके आपको 5, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 गुना स्पीड नहीं देगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बारे में वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसे यूज करते हैं और अगर आप इससे खुश हैं तो आप इस वीडियो को एक बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि ये आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना दोस्तों था 2, 3, 4, 5 साल पहले। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक वैसे ही लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।